यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ओलंपिक पहलवान योगेश्वर दत्त ने जम्मू कश्मीर के सैनिकों को पूरी छूट देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों को दोनों तरफ से मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है, एक तरफ आतंकवादी है तो दूसरी तरफ पत्थरबाज। क्या ऐसे में सैनिक पत्थरबाजों पर फूल बरसाएंगे? तो इसीलिए उन्हें पूरी कार्रवाई की छूट देनी चाहिए। हरियाणा सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल के बाद जाट बागर बेल्ट में हुई भाजपा की चुनावी रैली कई समीकरण पैदा कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर हरियाणा पहुंचे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गैर जाटों को एकजुट करने के साथ जाटों की ओर अपने हाथ बढ़ाए। निजी कॉलेज में एक टीचर ने छात्रा के साथ रेप किया। कॉलेज के केमिस्ट्री टीचर पर आरोप है कि उसने एक छात्रा को कमरे में बुलाया और उसके साथ रेप किया, जिसके बाद उसकी खूब धुलाई भी हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर नूर था, वह आत्मविश्वास से लबरेज थे। होते भी क्यों ना, युवा हुंकार रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जिस अंदाज में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफें की हैं, वे उनकी उपलब्धियां गिनवाई हैं। उनको देखकर साफ संकेत मिलता है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल ही भाजपा का चेहरा होंगे। हरियाणा के फरीदकोट से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कार मालिक ने ड्राइवर की हत्या कर दी। माना यह जा रहा है कि ड्राइवर अपनी बकाया सैलरी लेने के लिए कार मालिक के पास गया था, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। कार मालिक एक अवैध खनन का काम करता था।